हाँ भैया बेटा, बेटे आज हम हिंदी ग्रामर का जो चीज करने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद। आज हम हमारे त्योहार के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट लाइन है हमारा देश त्योहारों का देश है। सेकेंड लाइन, हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, होली, ईद, गुरपुरब यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार हैं। बेटे हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत से आते हैं, कोई साल बाद, कोई 6 मंथ के बाद, है ना, कोई मंथली मनाते हैं। लेकिन जो हमारे देश में पंजाब में जो प्रसिद्ध हैं वो है दिवाली, दशहरा, होली, ईद, गुरपुरब और जो यहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिवाली के बारे में। दिवाली हिंदुओं और सिखों का साझा त्यौहार है। यह रोशनी का प्रतीक है। जो दिवाली है बेटे, हिंदू और सिख इसको मिलकर मनाते हैं, ठीक है, और ये रोशनी का प्रतीक है, क्योंकि जब श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे तो उनके आने की खुशी में जो उनके अयोध्यावासी थे उन्होंने दीपमाला की थी, इसलिए से रोशनी का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है दशहरा हिंदुओं का त्यौहार है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब जो दशहरा बेटे ये हिंदुओं का त्यौहार है ना, और जो ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन श्री राम जी ने रावण को मारकर, बल्कि रावण एक बुराई था, उस बुराई को हरा कर वो खुद जीते थे, तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नेक्स्ट है होली रंगों का त्यौहार है। यह त्यौहार भेदभाव को मिटाकर एकजुट होने का प्रतीक है। अब जो होली है बेटे, इस दिन रंग बिरंगे ही सभी दिखाई देते हैं, है ना, ये रंगों का त्यौहार है। जो होली है वो रंगों का त्यौहार है। इस दिन सभी लोग कोई बड़ा छोटा ना मानकर कोई जात पात का भेदभाव नहीं करता, बल्कि एकजुट होकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। नेक्स्ट है ईद मुसलमानों का त्यौहार है। जो ईद है बेटे वो मुसलमानों का त्यौहार है, क्योंकि ईद जो है वो ईद के दिन सभी मुस्लिम लीग जो लोग हैं मुस्लिम के, वो क्या करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। नेक्स्ट है आगे गुरपुरब। गुरपुरब सिखों का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार सिखों के 10 गुरुओं का जन्मदिन का प्रतीक है। जो गुरपुरब है अब ये सिखों का त्यौहार है। गुरपुरब में क्या होता है, 10 गुरुओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं, है ना, उनकी जो कुर्बानियाँ दी हुई हैं उनको भी, उनको शहीदी को भी दिहाड़े को देखा जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, सिखों गुरुद्वारों में अखंड पाठ के भोग डाले जाते हैं, नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे कुछ राष्ट्रीय त्यौहार भी हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। अब गणतंत्र दिवस है जिस दिन हमें जो आज़ादी मिली थी, हमें स्वतंत्रता दिवस जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, गणतंत्र दिवस वो है बेटे जब हमें पता लगा था कि अब हमें आज़ादी मिल जाएगी। गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को होता है, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को होता है। नेक्स्ट बेटा, हमें त्यौहार हमें खुशी और प्यार बांटती है। जितने भी त्यौहार हैं वो सभी हमें प्यार, खुशी और प्यार बांटते हैं, और हम सबको भी यह त्यौहार बड़े खुशी चालाट से ही मनाने चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर इंसान के पास, किसी के पास भी समय नहीं होता,
लेकिन इन त्योहारों की जो पवित्रता है उनको बनाए रखना ही हमारा धर्म है। बेटे आज का जो हमारा काम था वो है अनुच्छेद हमारे त्योहार। ओके, तो आप सभी ने इसे फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करना है। थैंक यू बेटा।